आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि बैक्टीरियल कृत्रिम गुणसूत्र यानी BAC, कॉस्मिड्स, प्लाज्मिड्स, फेजेज और इष्ट कृत्रिम गुणसूत्र यानी कि YAC सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला क्लोनिंग वेक्टर है, जिनकी क्लोनिंग क्षमता भिन्न भिन्न और लगभग 100 बेस पेयर से 1000 KB तक होती है ना? तो निम्न में से कौन सा क्रम इन वाहकों की बढ़ती क्लोनिंग क्षमता के लिए सही है? तो चलिए जानते हैं। हम जानते हैं कि जब हमको कोई बाहरी जीन को किसी दूसरे जीव में प्रवेश कराना होता है तो हमको एक वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है ना? यह वेक्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये हो सकते हैं हमारे पास प्लाज्मिड, है ना? प्लाज्मिड वेक्टर है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके अलावे हमारे पास फेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज, है ना? इसके अलावे कॉस्मिड होते हैं, है ना? और इसके अलावे हमारे पास है BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यह सब कुछ वेक्टर है जिनका की आकार होता है 100 से 1000 KB तक होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि 1000 से 100 से 1000 तक है, तो इनको बढ़ते क्रम में हमको लिखना है कि कौन कौन सी किसकी वाहक क्षमता कितनी ज़्यादा है ना? तो यहाँ पर हम सबका एक एक करके पहले बताते हैं कितना होता है, उसके बाद हम लोग विकल्प देखते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मिड का अगर हम देखेंगे तो इसका जो DNA का खंड होता है यह लगभग 15 KB लॉन्ग होता है ना? कितना होता है, ये करीब 15 KB लंबा DNA खंड का ये बना होता है। फेज को अगर हम देखें तो यह लगभग 23 KB का बना होता है, 23 KB का इसका उपयोग होता है। कॉस्मिड इससे भी ज़्यादा होता है और इसका 45 KB होता है। और BAC जो होता है इसका जो है 300 से 350 होता है ना? इतना KB का ये होता है। सबसे ज़्यादा तो YAC का होता है या 1 MB का होता है ना? ये इसका क्रम है बढ़ते हुए क्रम में। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग यहाँ पर विकल्प को, है ना? पहले कौन है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड यहाँ मिल रहा है। इसके बाद प्लाज्मिड के बाद फेज है यहाँ मिल रहा है, ये गलत हो गया। इसके बाद कॉस्मिड होगा, उसके बाद यहाँ BAC होगा, उसके बाद YAC होगा, है ना? तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पर सारे क्रम हमको सही सही मिल जाते हैं जो कि उनके क्षमता के आधार पर, क्लोनिंग क्षमता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, यानी तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है ना? उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।